राज्य की सूरत क्राइम ब्रांच को लूट व चोरी करने वाले एक गिरोह नेपाली गैंग के नाम से चर्चा में था। डिप्टी पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच, सहायक पुलिस कमिश्नर और पुलिस इंस्पेक्टर वीजे चावड़ा, हेड कांस्टेबल सत्यपाल सिंह और हेड कांस्टेबल बाबू भाई को मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर रुस्तमपुर एरिया कोटक महिंद्रा बैंक के पीछे से इस गिरोह के आरोपी रूप सिंह, करण सिंह बिष्ट, सागर देवराज खाती, रोशन नारायण परिहार को लूट करने के साधनों समेत 50,200 का माल जब्त कर कार्रवाई की है। इस गिरोह के सभी आरोपियों पर अपराध, लूट और चोरी के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। मुथूट फाइनेंस में लूट करने की प्लानिंग को अंजाम देने से पहले ही सूरत पुलिस ने धर दबोचा और इनको हिरासत में लेने के बाद चोरी व लूट जैसे कई मामलों के बारे में पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस सब इंस्पेक्टर KH पनारा, पुलिस सब इंस्पेक्टर VJ चावड़ा, हेड कांस्टेबल सत्यपाल सिंह, हेड कांस्टेबल जिग्नेश भाई, हेड कांस्टेबल हरि सिंह, हेड कांस्टेबल भीम बहादुर और हेड कांस्टेबल परिमल भाई ने प्रशंसनीय कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और इन पर मामला दर्ज कर पूछताछ में जुट गई है। पेश है हमारे सूरत के संवाददाता बाबू भाई कुरैशी की खास रिपोर्ट।